मैं, मेरा नाम सुनील कुमार है और सर हम तीसरा के रहने वाले हैं। यहाँ पे हम रूम रह के ले रहे हैं। तो सर हमारे जो कुछ मेरे भाई लोग हैं यहाँ पे, इन्होंने आर्मी की तैयारी करनी होती है, तो हमारा रूम सर कॉलेज के पास है। वहाँ से बारगाह आने के लिए 1.25 घंटा पैदल लगता है, जो काफ़ी दूर है हमारे लिए, काफ़ी दूर पड़ता है, और वापस जाने के लिए उतना टाइम लगेगा 1.5 घंटा, और एक्सरसाइज के लिए लगेगा 3 या 4 घंटे हमारे बर्बाद हो रहे हैं सर। इसलिए हम आज DC सर के पास आए थे कि सर हमें हेलीपैड पर 1 घंटे की परमिशन दी जाए, जिससे हमारा समय बच जाए और हम एक्सरसाइज भी वहाँ पर अच्छे से कर सके। सर सर थैंक यू सर। तो सर उन्होंने क्या बोला आपको? उन्होंने बोला सर कि हम इस बारे में देखेंगे, आज या कल तक जो है आपके परमिशन या कुछ भी हम इस पर डिसीजन ले लेंगे, आज या कल में आपको पता लग जाएगा। सर सर मेरा नाम नीरज खन्ना है, हम तीसरा से आए हैं। यहाँ पे हम सुल्तानपुर में रूम लेके रह रहे हैं और हेलीपैड में हम DC साहब से मतलब परमिशन चाहते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, शाम को 7 से 8 बजे तक। पुलिस ग्राउंड हमें यहाँ से बहुत दूर पड़ता है, इसीलिए हेलीपैड की हम मतलब परमिशन चाहते हैं आपके माध्यम से, और आप ये बात उन तक पहुंचाएं और हमारा हल करें समस्या का। अभी आप DC साहब से मिले तो उन्होंने क्या बोला आपको? उन्होंने बोला हम देखते हैं। चंबा कॉलेज में स्टूडेंट है जो कि अभी स्टडी करे और साथ में भर्ती की तैयारी भी कर रहे हैं, और हमारा प्रशासन से अनुरोध है कि जो अभी हेलीपैड जो अभी बंद पड़ा हुआ है, उसके लिए छात्रों के लिए जो वो अपनी रनिंग और भर्ती की तैयारी कर सके, इसके लिए उसको खोलने की अनुमति दें। हमारा आपसे अनुरोध है कि ताकि जो छात्र जो भर्ती की तैयारी से वंचित रह रहा है, उसके लिए हम अच्छी हम वो आगे आके अपनी तैयारी पूरी अच्छी तरह से कर सके। इसलिए हमारा प्रशासन से बार बार अनुरोध है कि आप हमारे लिए जो हेलीपैड है उसके लिए उसको खोलने की व्यवस्था जल्दी से जल्दी करें, और ताकि स्टूडेंट्स को उधर अपने मतलब भर्ती की तैयारी और जो भी कई सारी मतलब एक्टिविटी होती है करने को मौका मिले, ताकि वह अच्छी तरह से अपनी